क्रिकेट के मैदान से इस समय की बड़ी खबर आ रही है जो भारतीय फैंस को पसंद नहीं आएगी। आपको बता दिया जाए, भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आज सुबह सुबह कार हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऋषभ पंत को भारी इंजरी हुई है, ऋषभ पंत को भारी चोटें लगी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऋषभ पंत के सिर में और पैर में काफी चोट लगी है। आपको बता दिया जाए, ये कार एक्सीडेंट रुड़की में हुआ था और गाड़ी के डिवाइडर से टकरा जाने पर गाड़ी की हालत हुई, यहां तक कि ऋषभ पंत को गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आना पड़ा था। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आए, गाड़ी में आग लग गई और इसके बाद गाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दिया जाए, ऋषभ पंत को देहरादून के पास एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि बात यह भी है कि ऋषभ पंत को किसी तरह का कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत का सिर फटा था, जिसके बाद उन्हें सिर में स्ट्रेचेस लगे हैं और पैरों में ऋषभ पंत की काफी गंभीर हालत है, जिसके चलते ये कह पाना असंभव है अभी कि ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान पे कब वापसी करेंगे। हालांकि आने वाले श्रीलंका दौरे के लिए ऋषभ पंत का नाम स्क्वाड में शामिल नहीं था, लेकिन अभी के लिए बड़ी बात यह है कि आज सुबह सुबह रुड़की में ऋषभ पंत हुए हैं कार एक्सीडेंट का बड़ा शिकार, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं साफ साफ। दीजिए ऋषभ पंत के लिए दुआएं हमें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।